शारदा, शारदा मेरे अंगवस्त्र कहाँ हैं? तुमने भी मौन व्रत धारण कर लिया? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब मेरे घर में भी शांति बनी रहेगी। क्या है, तुम क्यों अम्मा की तरह सांकेतिक भाषा में बात कर रही हो? अम्मा क्या कम है? उठा लो। हाँ, कहीं दिखे तो अंगवस्त्र उठाओ ना। पूरा घर सर पर उठा लो। कुछ क्षण प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? सारे मंत्र भुला दिए। देखा अम्मा, इतना सब बोलना चलता है किंतु ये नहीं बता सकती कि अंगवस्त्र कहाँ है। झूले पर रखा है। हाँ, झूले पर रखा है। कहाँ है ये? बाहर इतनी जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है और अंदर आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या ये ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? आज तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं है। क्या उन ढोल नगाड़े वालों को अंदर लेकर आऊं? क्या कह रही है? बाहर जाके देखो कौन है। ए, तुम्हारी ध्वनि तो उनसे भी अधिक है। मेरे नगर में शोर मचा रखा है। मैं भी जाकर सबक सिखाता हूँ। आखिर मैं भी महाराज का विशेष सलाहकार हूँ। ध्वनि प्रदूषण फैला रखा है वहाँ उन लोगों ने और यहाँ इन लोगों ने। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम। हे ईश्वर, इन्होंने हमें देख लिया। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ आए हैं? संभवतः आपको ज्ञात नहीं है, परंतु आपके आने के पूर्व सुगंध का एक झोंका आता है। उस झोंके को हम नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा चिन्ना देवी? स्वामी, आपके दरबार में जाने का समय हो गया है। हम आपका पसंदीदा रत्नों जड़ित हार दे देते हैं। रत्नों जड़ित हार? हार के अतिरिक्त और भी कुछ पहनने की अभिलाषा है? यदि आप अनुमति दे तो। महाराज, एक क्षण। कौन है वहां? कौन है? तुरंत सामने आइए। महारानी चिन्ना देवी, क्या बात? महाराज, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है। महारानी, ये हमारा कक्ष है। यहाँ पर आपके और हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। और हमें रात दरबार जाना है, विलंब हो रहा है। जी महाराज, आप शीघ्र ही तैयार हो जाइए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सुगंध तो चंपा के पुष्पों की है। नहीं चंद्रकला, नहीं, नियंत्रण रखो। पुष्पों की सुगंध पर नहीं, अपने कार्य पर ध्यान दो। चंपा के पुष्पों ने तो अभी बचा लिया, पर कृष्णदेव राय सिर्फ कुछ पलों के लिए। आज का दिवस तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस होगा, क्योंकि अब मेरे प्रहार से तुम नहीं बचोगे। विष ही शस्त्र है। महाराज कृष्णदेव राय की जय! 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 महाराज कृष्णदेव राय की जय!
आप सभी ने अपने अपने मुख क्यों छुपाए हुए हैं? क्या बात है मंत्रीवर, कोतवाल, आप सभी के मुख क्यों छुपे हुए हैं? जी महाराज, वो मंत्रीवर क्या ये वो कर रहे हैं? पंडित रामकृष्ण कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। क्षमा करें, प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपने भी मुख छुपाया हुआ है? हाँ महाराज, वो विलम्ब छाए हैं इसलिए। ऐसा क्या कर दिया है आपने? मुख दिखाइए अपना। नहीं महाराज। दिखाइए पंडित रामकृष्ण अपना मुख। नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण अपना मुख दिखाइए। पंडित रामकृष्ण, अद्भुत लग रहे हैं आप। क्या हुआ, ये दशा आपकी किसने की? महाराज, ये दशा केवल मेरी ही नहीं, गुरुवर और मंत्रीवर की भी है। गुरुवर, आप भी दिखाइए अपना मुख। दिखाइए गुरुवर। गुरुवर, आप का मुख तो टमाटर की भांति लाल प्रतीत हो रहा है। टमाटर वो भी सड़े हुए नहीं, कीड़े की। और हनी मनी आप भी। मंत्रीवर, आपका मुख देखना चाहेंगे हम, दिखाइए। महाराज। कोतवाल, ये सब क्या कर दिया? ये दुर्दशा आप सभी की किसने की है? क्या बताएं महाराज, जब वो हुआ ये कि दरबार आते समय बाहर सड़क पर सौराष्ट्र से आए कुछ लोगों की टोली नाचते गाते हुए जा रही थी और जाते जाते वे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे तो अकस्मात उन्हें हम दृष्टिगत हो गए तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। ये कर दिया। अच्छा, उसके पश्चात क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, वो अब कह रहे थे कि होली का पर्व है इसीलिए ये रंग लगा दिया। हाँ महाराज, वो आपसे भी मिलने को इच्छुक हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य, ऐसे रंग बिरंगी लोगों से हम अवश्य मिलना चाहेंगे, उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आपने होली ना पर्व नी खूब खूब शुभेच्छा हो। अने तमने बधाने पण हो। ओ, आपको होली के पर्व की शुभकामनाएं महाराज। अच्छा अच्छा, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु ये होली का पर्व कैसा पर्व होता है महाराज? ये पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत में मनाई जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराज, ये सतयुग की बात है। राक्षस वंश में एक सम्राट थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत द्वेष रखते थे, परंतु स्वयं उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और हिरण्यकश्यप को ये बात अनुचित प्रतीत होती थी कि उनका पुत्र उनके शत्रु की भक्ति करता है। अतः हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। ये तो अत्यंत रोचक कथा है। उसके पश्चात क्या होता है? हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर समझता था और कहते थे कि उनका पुत्र और समस्त प्रजा उनकी पूजा अर्चना करे। प्रहलाद तो केवल श्री विष्णु को ही अपना आराध्य मानते थे और उनका जाप करते थे। भक्त तो ऐसे ही होते हैं महाराज,
अपने आराध्य के प्रति समर्पित। परंतु क्या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया? जी महाराज, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की लाख कोशिश की पर वो असफल रहा। तब उसने प्रहलाद का वध करने के कई प्रयास किए पर विष्णु कृपा से उसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास सहायता मांगने गया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। जब होलिका के समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माने तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और चिता को अग्नि से प्रज्वलित किया गया। तो फिर वो प्रहलाद मान गए? जी नहीं गुरुवर, श्री हरि कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो हंसते हुए भक्ति में लीन अग्नि से बाहर चले आए। परंतु होलिका, वो तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार हर वर्ष होलिका का दहन होता है। होलिका के नाश और प्रहलाद की श्री हरि के प्रति भक्ति को स्मरण करते हुए दूसरे दिन प्रातः काल से लोग रंग गुलाल उड़ाकर अपना हर्ष व्यक्त करते हैं। महाराज, अद्भुत कथा है, अद्भुत। और पर्व भी कितना सुंदर है, रंगों से भरा, रंग बिरंगा। महाराज, आपसे एक नम्र निवेदन है। हम अपने नगर से एक विशेष प्रकार का गुलाल लेकर आए। यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपको ये गुलाल लगाना चाहते हैं। होली के पर्व की उजवनी रूप और आपके प्रति हमारा जो आदर, सम्मान, प्रेम है उसके प्रतीक रूप। अवश्य अवश्य, हम सहर्ष आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं। अभिनंदन। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह महाराज, महामंत्री जी। महाराज, होली के इस पर्व पर सौराष्ट्र से आए हमारे मित्रों को हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और आज हम ये घोषणा करते हैं कि विजयनगर राज्य में आज से एक नई परंपरा की स्थापना की जाती है। आज के पश्चात आज के दिवस प्रतिवर्ष विजयनगर राज्य में हर्षोल्लास से और रंगों से होली का त्योहार मनाया जाएगा। धन्य है महाराज, अत्यंत उत्तम निर्णय है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महामंत्री जी। महाराज, शीघ्र अति शीघ्र होली खेलने की व्यवस्था कीजिए आप। अवश्य अवश्य। हाँ, महारानियों को एवं समस्त नगरवासियों को इस बात की सूचना दी जाए। हम समस्त विजयनगर राज्य को रंगों में सराबोर देखना चाहते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। अरे रामा, क्या मुझे फिर से इसी भांति रंग में डूबना पड़ेगा? हाँ बंधु, परंपरा तो परंपरा है, पर्व तो पर्व है। तैयार हो जा होली खेलने के लिए। नामक पवित्र पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं महाराज। महारानी थिरुवलम्बा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे।
देखिए, हमने आपके लिए एक गाल सुरक्षित रख छोड़ा है। हमने महारानी चिन्ना देवी को हमारा दाया गाल छूने भी नहीं दिया। देखिए महाराज, आप महारानी चिन्ना देवी से अपने दाएं गाल में भी रंग लगवा लीजिए, हम तनिक भी रुष्ट नहीं होंगे। आपके कहने का तात्पर्य है कि आप हमें रंग लगाना चाहती नहीं? नहीं नहीं महाराज, रंग तो सभी लोग लगाते हैं, हम तो आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। विशेष? महारानी तिरुमलम्बा, जब भी हम आपके मुख से विशेष सुनते हैं तो हमें हमें ईश्वर स्मरण हो जाते हैं। हे ईश्वर, रक्षा करना। बताइए क्या विशेष है इसमें? महाराज, हम रंग नहीं, रंगों से बनी हुई बर्फियां लेकर आए हैं। रंगों से बनी बर्फियां? हाँ, लाल रंग की लाल, पीले रंग की पीली, सफेद रंग की सफेद, हरे रंग की हरी। महारानी तिरुमलम्बा, ये रंग तो होली खेलने के उपयुक्त होते हैं, आपने इनकी बर्फी बना दी। महाराज, ये प्राकृतिक रंग है, आप तनिक भी चिंतित ना होइए, आप इन्हें खाइए। नहीं 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 नहीं, अर्थात हम कह रहे हैं होली का जो पर्व होता है महारानी तिरुमलम्बा, वो पारिवारिक पर्व होता है, तो हम ये सारे विशेष मिष्ठान स्वयं खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं महारानी तिरुमलम्बा। वाह महाराज, आप कितने महान हैं। महान है नहीं महारानी तिरुमलम्बा, बस आपका स्नेह है जो हमें महान बनने पर विवश कर देता है। महारानी तिरुमलम्बा, ये बाकी सारे रंग तो ठीक है, परंतु काले रंग की बर्फी आपने बनाई कैसे? महाराज, हमने सभी रंगों की बर्फी बना ली, फिर सोचा काले रंग की तो बनी नहीं, तो बस थोड़ा सा काजल मिलाया और काली बर्फी तैयार। अद्भुत है। अरे कहाँ तो हम हमारी प्रिय सौदामिनी के साथ रंग गुलाल का स्वप्न देख रहे थे, और कहाँ ये वरुण माला, लगता है प्राण लेगी हमारे। अब बस करो वरुण माला, हो गया है ना, हम जाएं? रुक कर जाइए गुरु जी, अब कहीं भी नहीं जा सकते। ध्रुव माता, आप शुरू कीजिए कार्य अपना। स्वामी, अभी तो प्रक्रिया आरंभ हुई है, अभी तो गुलाबी रंग से सहस्त्र नाम अर्चना आरंभ हुई है, वो भी मात्र 100 बार, 900 बार तो शेष है। पर स्वामी, हमने तो ये प्रण पूरे 7 रंगों से लिया है, 6 रंग तो शेष है अभी। हे भगवान, इतने सारे रंगों के साथ आपकी पूजा अर्चना समाप्त होते होते तो अगली होली का आगमन हो जाएगा। तो गुरु जी, आपको कौन सी शीघ्रता है, आ जाने दीजिए अगली होली। रंगी तो लगा रहा है, लगवा लीजिए। प्रिय वरुण माला जी, स्वामी, आपको हमारी पूजा अर्चना के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। आप देखो, आप हमारी अर्धांगिनी है ना जी, तो हमें भी अपना प्रेम प्रकट करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए ना। कृतार्थ हो गए, आपको होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रिय वरु। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए, वो महल में जाकर सबके साथ होली का आनंद जो लेना है। आइए ना, आइए आइए। शारदा, मैंने कहा मैं रंग नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा अर्थात कदापि नहीं लगाऊंगा। अरे हम भी देखते हैं कैसे बचते हैं आप हमसे। अम्मा, हम तो लगा कर ही छोड़ेंगे। अम्मा, देखो ना। लगाओ लगाओ, अब लगाओ।
बिगड़ेल, निकम्मा, प्रेम विहीन। अच्छा, अम्मा कह रही है ना? नहीं, हम कह रहे हैं अगर आप में हिम्मत है तो आओ हमारे समक्ष, हम बताते हैं। तुम किसी भी विधि से प्रयास कर लो, मैं नहीं आऊंगा अर्थात नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा।